क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5D कराने जा रहा हूँ, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की है और ये यूनिट 2 एलजेब्रा है। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये है एक्सरसाइज आपकी 5D का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला यूज करना है, इनको सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट वाले को लिखते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस का 6x है, इसको भी लेफ्ट में ले जाते हैं, माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसमें आपको अपनी इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। दोनों की कंपेयरिंग करनी है, इक्वेटिंग करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 है, देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस का 6 है, और c की वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस का 27 है। फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए रखने चालू करते हैं वैल्यूज को। माइनस बी यानी माइनस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर होगा माइनस 4। ए कितना है बच्चों, 1 है, एंड सी कितना है, माइनस का 27, तो इसको प्लस कर देगा और अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए है, ए कितना है 1 है, यहाँ से देखो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे 6 हो गया प्लस माइनस, इसको सॉल्व करना है बच्चों, कितना जाएगा 6 6 36 प्लस का होगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 7 28, 8 2 कैरी हो गया, 4 2 8 और 2 10 हो जाएगा, और अपॉन में जो है वो 2 ही रहेगा। इस इक्वल टू यहाँ 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, इसको ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 1 4 हो गया, और 1 अपनी जगह है, 144 हो गया, और डिवाइड बाई 2 हो गया। इट मीन्स कि 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया, ये x निकल गया। अब इसमें हमें एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। तो यहाँ क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। चलिए देखते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो गया, प्लस का 12 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ गया, दैट मींस कि 2 9 18, तो x 9 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब हमें नेगेटिव साइन लेना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 है, माइनस का 12 हो जाएगा अपॉन 2, तो माइनस का 6 बच जाएगा अपॉन 2, दैट मींस कि माइनस का 3 आ गया, सो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। ये सेकंड आंसर है इसका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये है सेकंड पार्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए और अपनी इक्वेशन इसके नीचे लिखिए। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स हो गया प्लस का सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। कंपेयरिंग कर दीजिए, तो ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा, एंड सी इक्वल टू 21 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस का बी है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना है, बी स्क्वायर है माइनस 4ac और अपॉन में क्या है, ट्वाइस ऑफ ए। चलिए रख देते हैं माइनस का भी, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। और ए कितना है बच्चों, देखो ए हमारे पास 1 है और सी है 21, सो 21 यहाँ लिख दीजिए, और डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए है, तो 2 × a हमारे पास 1 है, ये लिखा हुआ देखो। अब कितना रहेगा, यहाँ से 10 है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का स्क्वायर 100 होगा, माइनस का ये और देख लेते हैं, 4 1 4 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आ गया। यहाँ से और चेक करिए, 10 प्लस माइनस अंडर रूट
हंड्रेड माइनस 84 करेंगे तो ये 10 माइनस 4 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा 9 माइनस 8 यानी 1 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू में आपका 2 आ गया है। अब इसमें 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है बच्चों, तो 10 प्लस माइनस का 4, 4 जा 16 होता है और अपॉन 2, ये तो एक्स आ गया। अब इसमें क्या करना है, वही एक बार पॉजिटिव देना है एक बार नेगेटिव देना है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन देंगे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस का 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना आ गया ये 10 और ये 4 14 हो जाएगा, 14 बाई 2, 2 7 जा 14 यानी 7 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 7 आ गई। अब दोबारा क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन देखिए नेगेटिव ले लीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 है माइनस का 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 है हमारे पास, कितना बचा यहाँ पे 6 बाई 2 हो गया यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो x हमारे पास 3 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये है थर्ड पार्ट आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, सेकेंड अपने लिख लीजिए इसके नीचे, ए एक्स स्क्वायर है प्लस का बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। कंपेयरिंग कर लें तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा देखो यहाँ पे, और बी इक्वल टू ऊपर 6 लिखा हुआ देखो, और सी माइनस का 10 हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करना है तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए होगा ए, चलिए माइनस बी यानी कि माइनस का 6 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a कितना है 1 है, और c हमारे पास माइनस का 10 है दैट मीन्स कि इसको प्लस 10 कर देंगे प्लस का हो जाएगा, नीचे ट्वाइस ऑफ ए है तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, ये आ गया माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो गया ये 36 हो गया, और प्लस 4 टेन जा 40 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो गया 2 आ गया, ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट इसको प्लस कर दीजिए तो यहाँ 6 तो ऐसे ही रहेगा और 3 और 4 7 हो जाएगा 76 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, ये आएगा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 4 इंटू 19 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है 2 है, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा आउटसाइड में तो 2 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 19 और डिवाइड बाई कितना है 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19 बच जाएगा और डिवाइड बाई 2 बच जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x चल रहा है बच्चों। अब आगे जरा चलते हैं देखते हैं क्या होता है, यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो ये आ गई बच्चों कितना आ गई माइनस का 3 हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19, वैसे तो आंसर हम यही छोड़ सकते हैं लेकिन डेसिमल की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ती है यानी कि अंडर रूट 19 आपको निकालना पड़ेगा कितना आएगा, चलो देखते हैं बच्चों कितना आता है ये, माइनस 3 प्लस माइनस 4.35 आ जाएगा, वैसे 6 कर सकते हो इसको। अब इसमें एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव ले लेंगे इसको, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना आ जाएगा, x कल तो माइनस का 3 है प्लस का 4.35 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का करेंगे तो 1.35 आ जाएगा, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। सेकंड में क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन है यहाँ, टेकिंग नेगेटिव साइन तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x कल तो माइनस का 3 है तो माइनस का ये भी आ जाएगा 4.35, कुल मिलाकर के माइनस का 7.35 हो जाएगा, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने इसे बताया बच्चों ये 5 जो है आप इसको 6 ले सकते हैं, तो उसके बाद भी बड़े डिजिट आ रही है, चलिए कोई बात नहीं आगे देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये फोर्थ नंबर का हमारा, इसका फोर्थ पार्ट है,
तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। चलिए ए इक्वल टू कितना हो गया, वन हो गया, बी इक्वल टू हो गया टू आपका, एंड सी इक्वल टू माइनस का सिक्स हो गया। इसमें अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगा और अपॉन ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। लगा दीजिए फॉर्मूला, माइनस बी यानी के टू आ जाएगा माइनस का, फिर प्लस माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर हो गया माइनस का फोर, ए कितना है बच्चों वन है, और सी माइनस का सिक्स है वो इसको प्लस कर देगा और यहाँ सिक्स हो गया। अपॉन ट्वाइस ऑफ ए है तो टू इंटू ए कितना है वन है बच्चों, तो ये वन आ जाएगा। माइनस का टू हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया बच्चों देखो, यहाँ फोर हो गया, अब प्लस का फोर इंटू सिक्स हो गया, फोर इंटू सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर हो जाएगा और अपॉन टू आ गया, ये आ गया माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना बच्चा बच्चों देखो सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर और ये ट्वेंटी एट हो जाएगा एंड डिवाइड बाय टू हो गया। माइनस का फोर है प्लस माइनस, इस ट्वेंटी एट को लिख सकते हैं फोर इंटू सेवन अपॉन टू, माइनस फोर है प्लस माइनस फोर का आउटसाइड आएगा टू आ जाएगा, अंडर रूट सेवन हो गया और डिवाइड बाई टू हो गया, तो टू तो बाहर ले लेते हैं, माइनस का टू बच जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेवन बच जाएगा एंड डिवाइड बाई टू आ गया, टू से टू हमारा कैंसल आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आगे निकल के बच्चों यहाँ लिख कर देख लेते हैं, एक्स जो निकल कर गया है वो वास्तव में आ गया माइनस का टू प्लस माइनस अंडर रूट सेवन। हालांकि यही क्वेश्चन समाप्त हो जाता है लेकिन अंडर रूट सेवन की वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट सेवन की वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसका होगा 2.65 और यहाँ माइनस का 2 पहले से चल रहा है आपका, तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना हो जाएगा, एक्स का टू माइनस टू हो जाएगा और प्लस का 2.65 ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा बच्चों ये माइनस का है और ये प्लस का है तो 0.65 आ जाएगा। ये एक आंसर आपका आ चुका है, हालांकि आंसर पहले ही हो चुका है बच्चों, इसको आंसर कर सकते हो लेकिन पॉइंट में अगर निकालना है तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जो है टेकिंग क्या होगा, नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ले लीजिए कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टू, माइनस का आ जाएगा 2.65, दैट मीन्स क्या हो गया माइनस का 4.65 हो गया और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 3x square plus 2x minus 1 equal to 0 and that is the equation first. Second इसके नीचे अपने ही लिख लीजिए, ax square plus bx plus c equal to 0, ये equation second हम comparing कर लेते हैं, तो a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से, b कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा और c equal to minus का 1 देखो यहाँ आ गया। फॉर्मूला लगाना है आपको, तो x equal to होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइड बाई कितना है ट्वाइस ऑफ ए, तो माइनस भी देखिए तो ये माइनस का टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर हो गया माइनस फोर, ए कितना है थ्री है एंड सी माइनस का वन है तो इसको प्लस कर देगा वन यहाँ आ गया और अपॉन में क्या है डिवाइड बाई टू और ए कितना है थ्री है। चलिए थ्री भी लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा टू टू जा फोर और प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा अपॉन कितना आ गया सिक्स आ गया, ये आ गया माइनस का टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया बच्चों ये सिक्सटीन हो जाएगा और सिक्सटीन का स्क्वायर रूट कितना होता है फोर होता है, तो चलिए लिख लेते हैं माइनस टू प्लस माइनस फोर डिवाइडेड बाई सिक्स, ये x आ गया हमारे पास। अब इसमें भाई एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है, तो चलते हैं देखते हैं क्या करना है हमें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का टू है प्लस का आएगा बच्चों यहाँ फोर,
डिवाइड बाय 6 हो गया, तो x कल टू आ जाएगा 2 बाय 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो x कल टू 1 बाय 3 आ गया, ये एक आंसर हो गया है। अब टेकिंग नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव दे दीजिए, तो x कल टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 4 डिवाइड बाय 6 है, यानी x कल टू माइनस 6 बाय 6, 6 1 जा 6 हो जाएगा, सो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, ये आपका सेकेंड आंसर है। सिक्स पार्ट, ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, लिख लेते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसके नीचे अपने इक्वेशन लिखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों की कंपेरिजन करना है तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यहाँ से a इक्वल टू 2, b की कितनी आ गई, 7 आ गई, तो b इक्वल टू 7, और c की वैल्यू देखो यहाँ से 5 आ गई। इसके बाद फार्मूला लगाना है, तो x इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। चलिए वैल्यू रख दीजिए इसमें, माइनस b मतलब 7 है, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 a कितना है, 2 है हमारे पास, और c देखो 5 है, यहाँ पे ये 5 हमने लिख दिया, और यहाँ कितना हो जाएगा अपॉन ट्वाइस ऑफ a, a कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया, क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया बच्चों, 7 जा 49, और माइनस का इधर देखो 5 2 जा 10 और 4 जा 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया एंड डिवाइड बाय 4 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस, यहाँ 9 बच जाएगा, अंडर रूट 9 एंड डिवाइड बाय 4 हो गया। अब क्या बच गया, माइनस का 7 है प्लस माइनस अंडर रूट 9 का मतलब 3 हो गया और अपॉन 4 हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है इसमें, एक बार पॉजिटिव देना है एक बार नेगेटिव देना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 3 एंड डिवाइड बाई 4, ये आ गया माइनस का 4 डिवाइड बाय 4, 4 बन जा 4 और x इसका तो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, तो एक आंसर आपका आ चुका है। सेकंड आंसर के लिए क्या करेंगे हम, टेकिंग नेगेटिव साइन, चलिए नेगेटिव साइन लेके देखते हैं, तो x का तो कितना है माइनस 7 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, सो ये आ गया माइनस का 10 डिवाइड बाय 4, सो 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, तो ये x कितना आ गया, x का 2 माइनस का 5 बाय 2, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। इसको अगर और सॉल्व करना चाहेंगे तो माइनस का 2 एंड हाफ हो जाएगा, तो इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका 7th पार्ट आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये 2 बाई 3 ऑफ x है और इक्वल टू 1 बाई 6 ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन और माइनस का 1 बाई 3, तो पहले एलसीएम देखो इनका नीचे 6 आ रहा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो यहाँ से देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 बाई 3 ऑफ x हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 1 बाई 6 ऑफ x स्क्वायर हो गया माइनस 6 इंटू 1 बाई 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, फिर 6 वन जा 6 हो जाएगा, 3 टू जा 6 हो जाएगा, कितना हो गया 2 टू जा 4 हो गया, x इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ही 2 आ गया यहाँ पे, इस सबको इधर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का ये प्लस इधर जा करके 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों की कंपेयरिंग कर लीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी और c की वैल्यू देखो यहां से 2 आ जाएगी, तो ये ले लिया। अब हमें फार्मूला लगाना है, x का टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac हो जाएगा
अपॉन ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। माइनस बी तो माइनस का फोर हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर, माइनस फोर ए कितना है वन है और सी कितना है टू है, अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, टू इंटू ए कितना है वन आ गया। सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का फोर हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा फोर, फोर जा सिक्सटीन हो गया और माइनस का फोर टू जा एट हो गया और यहाँ डिवाइड बाई टू आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहां से आठ बच जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो गया माइनस का फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एट, यहां से एट बच जाएगा, सिक्सटीन माइनस एट करेंगे तो एट ही आएगा, अपॉन कितना है टू आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, फोर इंटू माइनस का फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर इंटू टू कर दीजिए अपॉन टू, इसमें से टू बाहर आ जाएगा इसका, माइनस फोर प्लस माइनस टू अंडर रूट टू हो गया और डिवाइड बाई टू आ जाएगा, टू कॉमन ले लीजिए तो माइनस का टू हो गया और प्लस का अंडर रूट टू हो गया विद माइनस साइन, प्लस माइनस एंड डिवाइड बाय टू है, टू से टू कैंसिल हो गया तो एक्स की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू। हालांकि आंसर यहां तक आ चुका है, यहां तक आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में निकालना है तब क्या करेंगे हम, x का 2 माइनस का 2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू होती है 1.414, चलिए 1.414 यानी 0.41 ही ले लीजिए कोई बात नहीं। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये x का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो गया प्लस का 1.41, माइनस करके बताइए कितना आएगा, ये माइनस 0.59 हो जाएगा। तो ये एक आंसर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन यहां लिख दीजिए, पहले लाइन ऑफ कंट्रोल भी खींच दीजिए बच्चों जिससे कि ये डिस्टर्ब ना हो। यहाँ क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन दे दीजिए तो एक्स का टू हो जाएगा माइनस का टू माइनस का अंडर रूट, चलिए अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2 है और माइनस का 1.41 कितना आ जाएगा माइनस का 3.41 आ जाएगा, ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। वैसे आंसर यहाँ भी हो सकता है लेकिन अंडर रूट 2 की वैल्यू रख करके भी हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसका 8th क्वेश्चन है। 1 upon 15x square plus 5 by 3 equal to 2 by 3 of x। तो इसमें सबसे बढ़िया है कि 15 से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, तो ये आ जाएगा 15 into 1 upon 15x square plus 15 into 5 by 3 equal to 15 into 2 by 3 of x। देखो 3, 5 जब 15 हो जाएगा, 3 5 जब 15 हो जाएगा और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच के आ गया x स्क्वायर हो गया प्लस 5 5 जब 25 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 टू जब 10 ऑफ x। इसको सबको लेफ्ट में ले जाओ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 10 ऑफ x हो जाएगा और प्लस का 25 इक्वल टू 0। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गई, अब नीचे इसके अपनी इक्वेशन लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों की कंपेयरिंग करनी है तो देखो ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से देखो 10 आ जाएगी विद माइनस साइन और सी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 25 आ जाएगी। फॉर्मूला लगाना है एक्स इक्वल टू माइनस का बी है प्लस माइनस अंडर रूट कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय ट्वाइस ए है, ए कितना है बच्चों ट्वाइस ए ही लिख दीजिए, अभी तो फॉर्मूला लिख रहे थे, अब माइनस वैल्यू रख दो, माइनस का 10 है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 ए कितना है हमारे पास 1 है और सी कितना है 25 है और अपॉन कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए कितना है तो 1 है।
एक्स है यहाँ पे। अब इसको जरा सॉल्व करना है बच्चों, तो एक्स इक्वल टू हो गया 10 है यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस का 25, 4 जब भी 100 ही होता है, और अपॉन कितना है ट्वाइस आ गया। इसके बाद पूरा ये 0 हो जाएगा, तो एक्स का टू हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2, यानी 0 होने का मतलब है ये पूरा 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 10 डिवाइड बाई 2, 5 जा 10 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू 5 आ गई, यानी इसके दोनों रूट्स ही 5 हो जाएंगे, यानी कि इसका सेट जो है सॉल्यूशन सेट 5 और 5 ही रहेगा, और यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, कितना है लिखा हुआ है, ये है एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 ऑफ एक्स है, और माइनस का 6 यहाँ पहले से मौजूद है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके नीचे हमें अपनी इक्वेशन लिखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। कंपेयरिंग कर दीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू 1 आ रही है, और बी की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 अंडर रूट 2 आ गया। सी की वैल्यू को और चेक कर लीजिए, यहाँ से माइनस का 6 आ रहा है। देखो अब फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ए सी हो जाएगा, और डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 2 हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट कितना है यहाँ, माइनस का 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 ए सी, 4 ए कितना है 1 है, और सी माइनस का 6 है बच्चों, तो इसको प्लस कर देगा, और अपॉन में कितना है बच्चों देखो यहाँ ट्वाइस ऑफ ए है, और ए कितना है 1 है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना रह गया है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ कितना बच जाएगा इसको चेक करके देखना पड़ेगा हमें, 2 2 4 2 8 हो जाएगा ये, और यहाँ से प्लस का 6 4 24, और नीचे जो बच गया वो 2 आ गया, ये 2 अंडर रूट 2 हो गया प्लस माइनस, ये अंडर रूट कितना हो गया 32 आ गया, ये अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 32 कर सकते हैं, 16 2 जा 32 अपॉन में 2 है, सो 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 16 का 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर अंडर रूट 2 बच जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा, ये x निकल रहा था। हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस का 4 अंडर रूट 2 और डिवाइड बाई कितना है 2 है, कितना आ जाएगा 4 और 2 हो गया 6 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 × 1.41 कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4 हो जाएगा, तो एक आंसर यहां आ चुका है आपका। सेकंड के लिए क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन लेना है, सो एक्स कल पे कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 है, माइनस का हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई कितना बच गया 2, तो ये जो बचेगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 बच जाएगा अपॉन, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 है, माइनस का 4 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 ही बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.41, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, यानी पार्ट 10 है। 4 अपॉन एक्स माइनस 3 है इक्वल टू 5 अपॉन 2 एक्स प्लस 3, तो करना क्या है इसका, पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में एक्स आ जाएगा यहाँ, यहाँ आएगा 4 माइनस 3 एक्स, और यहाँ क्या हो गया 5 अपॉन कितना हो गया 2 एक्स प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 2 एक्स प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 4 माइनस 3 एक्स से, इधर 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 5 एक्स हो जाएगा। चलिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए,
फोर टू जा एट एक्स हो गया यहाँ से, और टू की यहाँ से तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ से फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया, फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस का नाइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस का फाइव एक्स इधर ले आइए जीरो हो जाएगा, फाइव एक्स इधर ला करके माइनस का हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करना है तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाले देख लो तो यहाँ हो गया नाइन और फाइव फोर्टीन हो गया, और यहाँ एट है तो माइनस का सिक्स एक्स बच जाएगा। और क्या है यहाँ पे प्लस का 12 है इक्वल टू जीरो, अब सबके साइन चेंज कर दीजिए, पहले सबके साइन चेंज करने हैं तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस का 6x हो गया और माइनस का 2 इक्वल टू जीरो, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 12 है बच्चों तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। तो चलिए अब आ गई है इक्वेशन फर्स्ट, नीचे इसके अपनी इक्वेशन लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसमें कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू देखो यहाँ से वन आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो भी वन आएगा, और सी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो माइनस का टू आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स का टू माइनस का बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ। चलिए वैल्यू रख दीजिए, माइनस का बी कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है वन है, और सी माइनस का टू आ रहा जो इसको प्लस कर देगा, और अपॉन में कितना आ रहा ट्वाइस ऑफ ए है यानी कि टू इंटू ए की वैल्यू वन है। चलिए थोड़ा सा आगे इसको और सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है ये। तो x इक्वल टू कितना बच गया, माइनस का वन आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर तो वन ही हो गया, प्लस ये फोर टू जा एट हो जाएगा, तो एट आ गया और डिवाइड बाई कितना बचा टू आ गया, ये हो गया माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया नाइन आ गया डिवाइड बाई टू हो गया, सो माइनस वन प्लस माइनस यहाँ थ्री हो जाएगा और डिवाइड बाई टू हो गया, तो ये x की वैल्यू निकल के आ रही है। अब यहाँ क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लीजिए तो एक्स का टू माइनस का वन प्लस का थ्री डिवाइड बाई टू यानी कितना हो जाएगा, ऊपर से टू बच जाएगा नीचे भी टू ही रहेगा तो टू वन जा टू हो गया, यानी एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो एक आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स का टू हो जाएगा माइनस का वन तो माइनस का थ्री हो जाएगा, यहाँ पे देखो रखना है हमें, और डिवाइड बाय टू है तो ये आ गया माइनस का फोर डिवाइड बाय टू, टू वन जा टू 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 जा फोर, सो ये माइनस टू आ गया यानी सेकेंड आंसर इसका माइनस टू हो जाएगा। नाउ कम टू द इलेवन पार्ट, ये है टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू। चलिए इसके सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं, तो यहाँ है टू एक्स प्लस थ्री, इसकी मल्टीप्लाई करनी है x प्लस टू से, और इधर कितना है x प्लस फोर है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है x प्लस थ्री से, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, टू एक्स से x की करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर टू एक्स की टू से करेंगे तो फोर एक्स हो जाएगा, यहाँ थ्री की करेंगे x से तो थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री की टू से करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, इधर भी देखते हैं x की x से तो एक्स स्क्वायर, एक्स की थ्री से तो यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स, और फोर की एक्स से करेंगे तो फोर एक्स हो जाएगा, और फोर थ्री जा ये हो गया ट्वेल्व। चलिए और आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो गया टू एक्स स्क्वायर, फोर और थ्री कितना हो गया ये सेवन ऑफ एक्स हो गया, और प्लस का सिक्स आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी फोर और थ्री सेवन एक्स हो गया और प्लस का ट्वेल्व हो गया, सबको इधर ले आना है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स प्लस का सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का सेवन एक्स हो गया, माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अभी नहीं कटेगा, यहाँ सेवन एक्स से सेवन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ टू एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है तो केवल एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस का सिक्स है और माइनस का ट्वेल्व है तो ये माइनस का सिक्स बच जाएगा इक्वल टू जीरो,
ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 6 और दूसरा एक्स माइनस अंडर रूट 6, इसको फैक्टर ही कर दिए बच्चों, वैसे भी फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 6 आ जाएगा। ऐसे दूसरा लेंगे तो एक्स माइनस अंडर रूट 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 आ जाएगा। चलिए बच्चों इस तरह की बात करिए, लेकिन हमें जो है फॉर्मूले से ये करने हैं सॉल्व, तो फॉर्मूले से हम अप्लाई करेंगे। फिर से देखिए, ये एक्स स्क्वायर है माइनस का 6 इक्वल टू 0, इसके नीचे हम ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। नीचे अपनी इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। यहां से कंपेयरिंग कर दीजिए तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहां से बी तो है ही नहीं, 0 आ जाएगा, और सी इक्वल टू माइनस का 6 है। फॉर्मूला जो लगाते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस का बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर होता है माइनस का 4ac होता है अपॉन ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। तो चलिए माइनस बी कितना है, तो माइनस का 0 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस का 4a कितना है, 1 है, और सी कितना है, माइनस 6 है, जो कि प्लस 6 कर देगा इसको, और अपॉन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू ए कितना है, 1 है बच्चों, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, कितना आ गया, यहाँ तो 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया, ये 4 इंटू 6 आ जाएगा, और अपॉन 2 है, 4 का बाहर ले लीजिए, कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2.45, यानी यही दोनों इसके आंसर हो गए, प्लस का भी और माइनस का भी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 2.45 और माइनस की भी 2.45, और यहीं पे आंसर। वैसे आप यहां पर भी आंसर दे सकते हो, लेकिन डेसिमल में अगर पूछा जाए तो डेसिमल में भी करना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, ये आपका 12th पार्ट है, जरा इसको भी लिख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 6 एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है माइनस का 2 अंडर रूट 6 है इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू ऊपर देखो अंडर रूट 6 हो गई, बी की वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस का 4 हो गया, और सी की वैल्यू जो है माइनस का 2 अंडर रूट 6, ये दिखाई दे रही है आपको। फॉर्मूला लगाना है बच्चों, अब कैसे लगेगा फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, कितना हो जाएगा, ये माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 यहाँ पे देखिए, और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a कितना है हमारे पास, अंडर रूट 6 है, और सी कितना है यहाँ से माइनस का 2 अंडर रूट 6 है, तो इसको प्लस कर देगा, 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और अपॉन कितना है, ट्वाइस ऑफ ए है, तो 2 इंटू ए कितना है, अंडर रूट 6 है। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और प्लस यहाँ देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 6 जा 48, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 अंडर रूट 6 आ गया। सॉल्व करना है, 4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये जरा इसको ऐड करके देखते हैं बच्चों, 8 और 6 14, यानी कि 8 और 6 14 हो गया, और 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, अपॉन कितना है, 2 अंडर रूट 6, ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 64 का मतलब ये 8 हो गया, अपॉन 2 अंडर रूट 6 हो गया, ये x निकाला है। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेना है, तो यहाँ क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 8 डिवाइड बाई कितना, 2 अंडर रूट ऑफ 6, तो कितना आ जाएगा, ये 8 और 4 12,
अपॉन टू अंडर रूट सिक्स है तो ऊपर नीचे अंडर रूट सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा टू सिक्स जार ट्वेल्व, ये आ गया सिक्स अंडर रूट सिक्स अपॉन सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स कल टू आ गया अंडर रूट सिक्स, ये आ जाएगा 2.45, यानी x का एक आंसर आ गया है। अब क्या करना है, नेगेटिव साइन लेना है, सो यू कैन राइट टेकिंग नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा, x का 2 हो जाएगा 4 माइनस का 8 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 6, कितना बच गया माइनस का 4 बच गया अपॉन 2 अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 6 इंटू रूट 6, तो ये काट देंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये यहाँ क्या है वैल्यू रख लेते हैं, तो माइनस का 1 बाई 3 है, अंडर रूट 6 की वैल्यू हमें पता है 2.45, चलिए 3 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 3 8 या 24, तो 0.8 हो जाएगा और 3 1 3 लगभग 0.81 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है अभी शायद, ये देखिए आप नेक्स्ट पार्ट है ये बचा हुआ आपका, यानी फर्स्ट के ही कई सारे पार्ट दे रखे हैं, हालांकि वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन फिर भी बच्चों बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 2x अपॉन x माइनस 4 है प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 है इक्वल टू 8 एंड 1 बाय 3। चलिए पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जो आएगा x माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2x की x माइनस 3 के साथ और प्लस x माइनस 4 की किसके साथ हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x माइनस 5 के साथ, और 8 3 24 1 25, so 25 by 3 हो जाएगा ये। अब आगे सॉल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इसके साथ करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, प्लस इस x की 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर x किस से करेंगे तो माइनस का 5x हो गया, और फिर बचेगा 4 2 8 माइनस का 8 ऑफ एक्स हो जाएगा, 4 5 20 प्लस का 20 आ जाएगा। नीचे भी जरा देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है, एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की 3 से माइनस का माइनस 3x और 4 की फिर एक्स से माइनस की तो माइनस का 4x हो गया, 4 की 3 से इन दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो गया इक्वल टू 25/3। यहाँ 2x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 है यहाँ पे और माइनस का 5 है और माइनस का ही 8 है, कितना हो जाएगा 6 और 5 11 हो गया और 11 और 8 हो गया माइनस का 19, तो माइनस का 19 ऑफ x हो गया, प्लस कितना बच गया 20 और बच गया है। नीचे देखिए जरा बच्चों क्या बच जा रहा है, ये x का स्क्वायर है और ये 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस का 7 ऑफ x और प्लस का 12 हो गया इक्वल टू कितना आ गया 25/3 हो गया। चलिए और भी सॉल्व करना है, 3 की इधर मल्टीप्लाई देगी 25 की इधर मल्टीप्लाई, तो चलिए करते हैं, 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी 4x square माइनस का 19 ऑफ x प्लस का 20 इक्वल टू 25 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी है ये x square है माइनस का 7x है और प्लस का 12 है, चलिए 4 3 12 हो जाएगा, 12x square हो गया और माइनस का 19 3 57 x और 3 2 6 आ गया, यानी 60 हो जाएगा, 25 की करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 175 ऑफ x और 25 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 300 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करना है और आगे हमें, तो ये आ गया 12 ऑफ x स्क्वायर माइनस का 57 ऑफ x हो गया प्लस का 60, इसको इधर लाइए माइनस का 25 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 175 ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस का 300 इक्वल टू जीरो,
चलो देखिए यहाँ पे माइनस का 25 है और ये प्लस का 12 है, तो माइनस का बचेगा बच्चों 13 ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी देखते हैं एक्स की तरफ, तो यहाँ है 175 एक्स और माइनस का 57 एक्स, 118 ऑफ एक्स बच जाएगा। और बाकी देखिए कितना बचा, ये माइनस का 300 है और ये प्लस का 60 है, तो ये माइनस का 240 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके साइन चेंज करना है तो ये आ जाएगा 13 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 118 ऑफ एक्स और प्लस का 240 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करनी है दोनों की, तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा 13, बी इक्वल टू माइनस का 118 हो गया और सी इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 240 आ गया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको पता है अच्छी तरह से, x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a। माइनस b कितना है, माइनस का 118 है तो प्लस का ये हो जाएगा 118 और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कितना है, माइनस 118 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4a कितना है हमारे पास 13 और c कितना है 240 और डिवाइड बाई है 2a, a कितना है हमारे पास 13 है। चलिए और सॉल्व करके देख लेते हैं इसे कितना आ जाएगा। ये हो गया 118 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 118 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13924 और माइनस का इसको और मल्टीप्लाई करनी है, देखो कितना आता है इसका, वन टू फोर एट जीरो हो जाएगा। ये अपॉन कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ 2 into 13। चलिए देखिए यहाँ 118 प्लस माइनस ये अंडर रूट कितना बच जाएगा देखना है हमें बच्चों, ये बच गया 1444 और अपॉन में कितना आ जाएगा 13 2 26। अब देखना है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 118 प्लस माइनस ये 38 का स्क्वायर है बच्चों और ये आ गया 26, ये आ गया x। अब एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव ले लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 118 प्लस का कितना 38 डिवाइड बाय 26 कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 16 और 3 और 14 और 15 हो गया और ये 1 का 1 ही रह जाएगा डिवाइड बाय 26, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा और 13 6 जा 78, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 6 आ गई, एक आंसर आ चुका है। सेकंड वाले को नेगेटिव ले लीजिए, x इक्वल टू 118 माइनस का 38 डिवाइड बाय 26। चलिए इसको सॉल्व करिए, 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा और यहाँ बचा 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना है 26 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा और ये 240 जा कितना आ गया, ये 40 अपॉन 13 मतलब कितना हो गया 3 एंड 1 बाई 13, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया है। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसका पार्ट बचा हुआ है बच्चों, ये और लास्ट पार्ट है ये शायद, चलते हैं इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये कितना है हमारे पास, ये है एक्स माइनस 1 और इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, यहीं पे पहले ही लेते हैं एलसीएम इसका, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 3 एंड 1 बाई 3। एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे और x माइनस 4 आ जाएगा, ये x माइनस 4 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, x माइनस 1 से।
एक्स माइनस फोर हो गया, प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री आ गया, और इसके साथ करेंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया, थ्री थ्री जा नाइन और वन टेन, टेन अपॉन थ्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, एक्स किसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स किसके साथ, माइनस का फोर एक्स हो गया, माइनस वन की एक्स के साथ तो ये माइनस का एक्स, माइनस वन की माइनस फोर के साथ तो प्लस का फोर आ गया। ऐसे इसके साथ देखिए, एक्स की एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की माइनस टू के साथ तो माइनस टू एक्स हो गया, माइनस थ्री के साथ एक्स होगा तो माइनस का थ्री एक्स, और माइनस थ्री और माइनस टू भी करेंगे तो प्लस का सिक्स आ जाएगा। और डिवाइड बाय देखते हैं कितना आ गया, ये इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की माइनस फोर से करेंगे तो माइनस फोर एक्स, माइनस टू की एक्स से तो माइनस का टू एक्स, और माइनस टू और माइनस फोर की करेंगे तो प्लस का एट हो जाएगा। और यहाँ टेन डिवाइड बाई थ्री चल रहा है, देखो ध्यान से, टू तो एक्स स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। देखते हैं एक्स वाले कितना हो गया, ये फोर और ये वन फाइव हो गया, और यहाँ भी टू और थ्री फाइव हो गया, फाइव और फाइव टेन हो गया, तो माइनस का टेन ऑफ एक्स हो गया, बच गया फोर और इधर सिक्स, तो ये हो गया टेन आपका। और नीचे जरा देखते हैं क्या बच गया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया है और माइनस का ये सिक्स एक्स हो जाएगा और प्लस का एट इज इक्वल टू टेन बाई थ्री। अब थ्री की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, टेन की तरफ जाएगी, जरा देखते हैं टेन किसके साथ लेते हैं, पहले टेन किसके साथ है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का सिक्स एक्स है, प्लस का एट के साथ। थ्री की मल्टीप्लाई किसके साथ है, टू एक्स स्क्वायर है, माइनस टेन एक्स है और प्लस का टेन है। चलिए बच्चों और मल्टीप्लाई करिए इसको, यहाँ हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्सटी ऑफ एक्स और प्लस का ये एटी हो जाएगा, इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का थर्टी ऑफ एक्स हो गया और प्लस का थर्टी आ जाएगा। सबको इधर ले चलना है तो टेन एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का सिक्सटी ऑफ एक्स हो गया, प्लस का एटी है, माइनस का कितना हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, ये इधर जाके प्लस का थर्टी ऑफ एक्स और माइनस का थर्टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो टेन एक्स स्क्वायर है और माइनस का सिक्स है तो फोर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ देखते हैं माइनस का सिक्सटी है और ये प्लस का थर्टी है तो माइनस का थर्टी ऑफ एक्स बच जाएगा, एटी है यहाँ पे और माइनस का थर्टी है तो ये प्लस का फिफ्टी बच जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चलिए अभी भी संभावनाएं हैं, टू से इसको डिवाइड कर दीजिए तो टू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का फिफ्टीन ऑफ एक्स हो गया और प्लस का ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके नीचे अपनी स्क्वायर लिख लीजिए इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। कंपेयरिंग करते हैं तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई है यहाँ से, बी की वैल्यू देखो माइनस का 15 आ गया है यहाँ से देख लो, और सी इज इक्वल टू 25 आ गया, सी 25। फॉर्मूला लगाना रह गया है बच्चों, चलो फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या आता है। ये आएगा एक्स का स्क्वायर है यहाँ, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। देखते हैं माइनस का बी यानी कितना हो जाएगा, माइनस 15 है तो प्लस का 15 हो गया, तो चलिए प्लस 15 लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 ए कितना है बच्चों 2 है और सी की वैल्यू जो है 25 है तो यहाँ 25 भी लिख लीजिए, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए है, ए कितना है हमारे पास 2 है देखो यहाँ से, सो टू ले लिया हमने, कितना आ जाएगा यहाँ 15 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, टू टू फाइव होता है माइनस, ये कितना आ जाएगा 25 फोर जो 100 तो 200 आ जाएगा ये, और डिवाइड बाय कितना बच गया 4 बच गया, ये आ गया 15 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बच जाएगा यहाँ 25 बच जाएगा बच्चों के बाद 25 एंड डिवाइड बाय 4 है तो ये कितना बच जाएगा 15 प्लस माइनस 5 बच गया यहाँ से, 25 का रूट 5 होता है अपॉन 4। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स का 2 हो जाएगा 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 4,
कितना रहेगा ये 30 डिवाइडेड बाई 20 यानी एक 5 आ गया आंसर। एक बार नेगेटिव दे दीजिए साइन इसका, तो x कल टू 15 माइनस का 5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा डिवाइड बाई 4, तो 2 2 4 2 5 10 यानी 5/2 आ गया। 5/2 को क्या लिखेंगे 2 1/2 यानी x की दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। आज बस इतना ही बच्चों, नीचे लाल रंग का ये बटन दिखा दे रहा जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।